जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर सोबिया असलम, डायरेक्टर एंड सीईओ एट लीडर्स फॉर एन एजुकेशन कंसल्टेंट्स फैसलाबाद। जी डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ एमबीबीएस एंड आल्सो अदर प्रोग्राम्स इन मॉस्को। सिनर्जी यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर लोकेटेड है, इसका एक कैंपस जो है वो मॉस्को में है जो कैपिटल है रशिया का, और दूसरा इसका कैंपस दुबई में है। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं डिटेल से बात करूंगी, इसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो कहते हैं वो मैडम हमने एमबीबीएस नहीं करना, कोई और प्रोग्राम हमें बताएं। तो इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये सिर्फ मॉस्को में ही नहीं दुबई में भी इनके कैंपस अवेलेबल हैं। तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, मतलब आप 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स कह लें, इसके अंदर 100 से ज़्यादा प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल हैं। उसमें हमारे पास मेडिसिन में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मेडिसिन के अंदर नर्सिंग आ जाती है, फार्मेसी आ जाती है। ठीक है, उसमें आपके टेक्नीशियंस वगैरह आ जाते हैं, ये सारे हमारे पास कोर्सेज जो हैं ये अवेलेबल हैं। ठीक है, सिनर्जी यूनिवर्सिटी मॉस्को कैंपस एंड आल्सो दुबई कैंपस, इन दोनों कैंपसेस के अंदर बच्चा जिस भी कैंपस में इंटरेस्टेड होगा उसी में ही उसका एडमिशन हो जाएगा विद रीजनेबल फीस, बहुत ज़्यादा कोई इसका फीस स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर आईटी के भी सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, उसमें आप ब्यूटिशियंस के भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा जो है, ये बच्ची जो ज़्यादातर आपको पता है कि फीमेल जो है वो ब्यूटिशियंस का कोर्स करती हैं। ठीक है, तो ब्यूटिशियंस का कोर्स भी हमारे पास 2.5 मीन्स के 2.5 साल का जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, और भी इसमें मतलब डेंटिस्ट्री भी इसमें हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर बात की जाए वो भी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर ऑलमोस्ट हमारे पास कोई 12 प्रोग्राम जिसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, आर्ट्स और सिनेमा के रिलेटेड जो मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं उनके रिलेटेड भी हमारे पास इसमें प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के रेलिवेंट भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के रिलेटेड भी प्रोग्राम्स हैं। रोबोटिक जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इसके अंदर हैं। इन सब की जो ड्यूरेशन है, किसी की 3 साल है, किसी की 2.5 साल है, किसी की 4.5 मीन्स के 4.5 साल की है। लैंग्वेज साइंस के भी अवेलेबल हैं इसमें हमारे पास प्रोग्राम्स। ठीक है, जितने भी मतलब स्पोर्ट्स के भी हैं, गेमिंग्स वगैरह जितनी भी इसमें किसके अंदर आ जाती हैं इसमें। फिर साइकोलॉजी और टीचिंग के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, लॉ के भी हैं, टूरिज्म के भी हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मच मोर प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को कहीं पे भी कोई भी यूनिवर्सिटी देगी जो हर डिपार्टमेंट ऑफर कर रही है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वीज़ा आपका मतलब वर्किंग 20 डेज में इन्विटेशन आ जाएगा, उसके बाद आपका 1 हफ्ते का वीज़े का प्रोसेस होगा, वो करवा के आप इजीली जाके जिधर भी आप लेना चाहते हैं क्लासेस, दुबई कैंपस में या मॉस्को कैंपस में, हम आपका वो करवा देंगे। फर्दर डिटेल्स के लिए एक एक प्रोग्राम की हर की मैं अलग-अलग वीडियोस बना दूंगी आपको, एक एक डिपार्टमेंट के उसमें आगे फिर 10-10, 12-12 जो है वो हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है मेडिकल एमबीबीएस में या अदर में तो वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। दुबई एक बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है। ठीक है, दुबई से आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे मूव करने के लिए भी, और जैसे भी आप चाहेंगे आपको हर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलेगी, जॉब भी अलो होगी आपको वहाँ पे। ठीक है, आपको मॉस्को में भी खैर जॉब अलो है क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज जो है आपको टीआरसी प्रोवाइड करती हैं, टीआरसी के बाद डेफिनेटली आपको जॉब अलो होती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेशक कोई मैट्रिक जिसने किया हुआ है वो भी अदर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकता है। प्लीज़ मैट्रिक वाले उठ के मुझे ये ना कहने लग जाए कि मैडम हम एमबीबीएस कर सकते हैं, क्योंकि एमबीबीएस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको मतलब फुलफिल करना होता है, तो तभी बच्चा जो है वो मैट्रिक में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो हर बच्चा उसमें एमबीबीएस में अप्लाई कर सकता है, हर बच्चा एमबीबीएस में अप्लाई भी नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो लॉ में, टूरिज्म में, आईटी में, मार्केटिंग में, डिज़ाइनिंग में, या मतलब उसमें ब्यूटिशन में, या मेडिसिन में, नर्सिंग में, जिसमें भी इंटरेस्टेड है वट एवर, तो वो लाजमी तौर पे हमसे रब्ता करें,
ठीक है, सितंबर इनटेक है ये, और इंशाल्लाह आपका वेरी फास्ट जो है वो प्रोसीजर होगा दुबई कैंपस का भी और मॉस्को कैंपस का भी, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके एज सून एज पॉसिबल अपनी सीट रिजर्व करवाएं, लेट मत हो, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें लाजमी तौर पर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।